अखिल भारतीय जाट महासभा के महासचिव चौधरी युद्धवीर सिंह का बयान। देश का किसान अब तक सबसे दयनीय स्थिति में। पिछले 20 वर्षों में 3.25 लाख कर चुके हैं आत्महत्याएं। भाजपा शासन के 4 वर्षों में किसानों में 42% बड़ी आत्महत्याओं की घटना। राज बदलने के बाद किसानों की स्थिति और बिगड़ी। गुजरात के नतीजे आए, उसमें किसान विपरीत दिशा में गए। अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो लोकसभा चुनावों में गुजरात के नतीजे होंगे रिपीट। रेवाड़ी में जाट समुदाय को कर रहे थे संबोधित। रेवाड़ी, 9 जनवरी। अखिल भारतीय जाट महासभा के महासचिव चौधरी युद्धवीर सिंह ने कहा कि जो कौम अपने शहीदों को याद नहीं रखती वो खत्म हो जाती है। वे आज रेवाड़ी के नवनिर्माण जाट धर्मशाला में राजा शहीदी दिवस पर जाट सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इतिहास लिखने में भेदभाव किया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि राजा नाहर सिंह को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया जाए। इस मौके पर उनके साथ जिला जाट महासभा के जिलाध्यक्ष चौधरी चरण सिंह भी थे। उन्होंने किसानों की बदहाल स्थिति के बारे में कहा कि किसान अब सबसे खराब स्थिति में है। पिछले 20 वर्षों में 3.25 लाख किसानों ने आत्महत्याएं की है। अगर बात करें पिछले 4 वर्षों की तो आत्महत्याओं के 42% मामले बढ़े हैं। लोगों ने राज बदला था लेकिन स्थिति और भी विकट हो गई। गुजरात के आए नतीजे इस बात के गवाह है कि किसानों ने वोट विपरीत दिशा में दिया था। अगर केंद्र सरकार ने किसानों की स्थिति में सुधार नहीं किया तो आने वाले देश के चुनावों में गुजरात की स्थिति रिपीट होगी और सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये देश का जो प्रथम स्वतंत्रता सेना संग्राम था उसके जो सेनापति थे राजा नाहर सिंह, बल्लभगढ़ के राजा थे वो, और उन्हीं के नेतृत्व में 1857 की जो लड़ाई थी वो लड़ी गई थी, आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। आज उनका शहीदी दिवस 9 जनवरी 1958 को उनको चांदनी चौक कोतवाली में उनके 3 सेनापतियों के साथ फांसी दी गई थी। जो कौम, जो बिरादरी अपने शहीदों को याद नहीं करती है उसका नामो निशान मिट जाता। आज ये समाज इकट्ठा था उनको अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, और राज्य और केंद्र सरकार से मांग करता है कि इतिहास ने उनके साथ जो है जो जाति की, उस सेना नायक को, उस शहीद को जिसने अपना राज नौछावर किया, अपनी जान नौछावर की इस देश के लिए, उसको इतिहास के पन्नों से भुला दिया गया है, उनको वो शहीद का दर्जा दिया जाए, उनको राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाए, इस तरह की मांग हम केंद्र सरकार से करते हैं। और राज्य सरकार से भी ये अपील है, क्योंकि वो हरियाणा से संबंधित था, बल्लभगढ़ के राजा थे वो, हरियाणा सरकार अगर उनको नहीं रिकग्नाइज करेगी तो कौन रिकग्नाइज करेगा। तो इन सब बातों को लेके, और दूसरा आज जो दूसरे महान किसान नेता सर छोटूराम थे उनकी भी आज पुण्यतिथि है, उनकी वजह से इस देश में, इस खासतौर पे जो पुराने पंजाब में किसान का वजूद है, उन दोनों महान नेताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए आज किसान सबसे बुरी स्थिति में गुजर रहा है। पिछले 20 साल में 3.25 लाख किसानों ने कर्जे की वजह से आत्महत्याएं की हैं, ये आंकड़े सरकार ने संसद में रखे हैं। जब कुछ कम संख्या नहीं होती है, 3,25,000 किसान आत्महत्या कर चुका है, तो उसकी स्थिति तो कोई छुपी हुई किसी से है नहीं। और पिछले 4 वर्ष में आत्महत्याएं घटने की बजाय 42% बढ़ी हैं। तो ये राज बदला था किसानों ने, इसलिए शायद नई सरकार कोई रास्ता ऐसा निकालेगी जिससे किसान खुशहाल हो सके, लेकिन इनके आने के बाद स्थिति और नीचे की तरफ गई है, किसान मायूस है। और सरकार को समझना चाहिए, गुजरात के इलेक्शन में जो नतीजे आए हैं, किसान पूरी तरह से सरकार से निराश होकर सरकार के विरोध में गया, और ये अगर सरकार नहीं चेती तो 2019 में गुजरात का जो मॉडल है पूरे देश में रिपीट किया जाएगा और इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा किसान की तरफ।